ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 4 जून थर्सडे है, सुबह के 8:21 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का। काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, जो हम लास्ट कुछ दिनों से देख रहे हैं एक जबरदस्त अपसाइड मूव, वहां पर कुछ पॉज आ सकता है, कुछ हॉल्ट आ सकता है, एक करेक्शन देख सकते हैं। आज एक्सपायरी का दिन है तो पोजीशंस क्लियर हो सकते हैं, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 3 जून, आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि कल का हमारा प्लान बन रहा था, ब्रेकआउट लेवल था 10,041 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9,932। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल उसके बाद फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, और फिर जो ये पूरा दिन लगभग लास्ट हाफ एन आवर तक ये पूरा एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। ऊपर की तरफ ये फिर से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक यहाँ पर हर्डल था, उस हर्डल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। वो क्या है हम मंथली चार्ट में देखेंगे। और लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ पर एक जबरदस्त एक अप डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला, और जैसे कि फर्स्ट टारगेट था उसी के पास आके ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास क्लोज हुआ, जो इसने ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। ग्लोबल मार्केट्स के पहले हालात देख लेते हैं। कल भी यूएस मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जो वहां पर फिर से इकोनॉमी शुरू रीओपन होने जा रही है, तो एक पॉजिटिवनेस मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी कल हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे थे। और आज एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है, और जापानीज इंडेक्स, हांगकांग इंडेक्स और ताइवान इंडेक्स भी लगभग थोड़ी सी हल्के से कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 79 पॉइंट के समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल अभी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जो हम बात कर रहे थे कल एक रेजिस्टेंस फेस किया, हर्डल फेस किया, और वहां से एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला लास्ट हाफ एन आवर में। तो अगर आप हमारे कई दिनों से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मंथली एनालिसिस करते हुए कि ये जो 50 EMA का ये लाइन है 10,150 के पास जो है अभी, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और नीचे ये 100 EMA जो कि 2008 में भी इसने जबरदस्त सपोर्ट का काम किया था और यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, तो अब की बार इस बार भी यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक निफ्टी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कल जैसे ही इस लेवल के पास ये पहुंचा 50 EMA मंथली चार्ट में, तो यहाँ से हमें एक ये फॉल दिखाई दिया। ये आर्ली चार्ट है, इसमें देखिए ये 10,176 लगभग उसी लेवल के पास से ये हमें कल फॉल आते हुए दिखा लास्ट हाफ एन आवर। तो मंथली चार्ट में 10,150 के पास एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो वीकली चार्ट में जो हमने फिबोनाची ये एक्सटेंशन लेवल को जो ड्रॉ किया है, उसका 61.8% का टारगेट 10,276 के पास है। अगर 10,150 क्लियरली ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो नेक्स्ट टारगेट 10,276 का होगा। लेकिन आज एक्सपायरी है, पोजीशंस क्लियर हो सकते हैं। काफी दिनों से अगर डेली चार्ट में देखें तो जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 6 दिनों से, तो हो सकता है एक यहाँ पर करेक्शन है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो ये अभी शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन ये कंप्लीट पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल दे रहा है। ऐसा हो सकता है अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, जो एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है।
तो यहाँ पर ये जो अभी जबरदस्त अपसाइड मूव आई है, तो एक करेक्शन आना लाजमी होगा। डेली चार्ट पर ये फिलहाल इसने 100 EMA को क्रॉस कर दिया है, उसके ऊपर क्लोज कर दिया है, ये काफी पॉजिटिव बात है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना काफी जरूरी है। तो डेली वीकली चार्ट का सिनारियो ये बताता है कि लगभग एक जबरदस्त अपसाइड मूव के बाद एक छोटा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि लंबी जम के लिए थोड़ा सा पीछे हटना काफी जरूरी होता है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने से पहले एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं प्राइस एक्शन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन में ये हायर हाइज बन रहे, ये प्रीवियस है, उसके ऊपर ये दूसरा हाई। लेकिन अगर RSI को देखे तो RSI में ये हाई, उसके नीचे ये हाई बना है, यानी ये क्लियर कट निगेटिव डाइवर्जेंस है। RSI में हमें प्राइस एक्शन के वर्सेस रिवर्ट डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है, प्राइस एक्शन यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पर बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम होने के यहाँ पर सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर कल का लो अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में एक और छोटा करेक्शन यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज निफ्टी के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं? तो कल जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था वो आज हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल, यानी कल के लो के नीचे, जो कि अराउंड 10,032 हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, और उसके नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 10,006 के पास है, और सेकेंड टारगेट होगा 9,976, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और वो अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू ये मूव अपसाइड मूव देखने को मिलता है, तो कल का हाई ब्रेक होने दीजिए कम्प्लीटली, यानी 10,176 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बनाएंगे, और 10,200 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,230, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।